हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, दो ऐसे एक्सोप्लैनेट खोजे गए हैं जहाँ पे बैरियम पाया गया है, बैरियम 2। अब वो भी कहाँ पे पाया गया है, उनका जो एटमॉस्फेयर है, जो सबसे ऊपरी सतह होती है, वहाँ पे बैरियम 2 पाया गया है। अब आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसमें बड़ी बात इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो बैरियम 2 होता है लगभग 2.5 किसके लोहे के वेट से ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब 2.5 होता है लोहे के कंपेयर में। अब इतना ज़्यादा उसका वेट होता है, अब तक में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा वजनी पदार्थ ये पाया गया है। और ये कहाँ है, उस एक्सोप्लैनेट के सबसे ऊपरी सतह पे। और ये बात क्या कर रही है, वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। आप एक बात समझिए, हाइड्रोजन हमारी सतह के ऊपर होता है वो तो चलो समझ में आता है, लेकिन बैरियम 2 जिसका वेट ज़्यादा है फिर भी वो सतह पे हो, ऊपरी सतह पे हो, जो एक्सोप्लैनेट है, तो ये क्या करता है, हमको बहुत ज़्यादा आश्चर्य करता है। अब आप बोलेंगे ये एक्सोप्लैनेट क्या है। एक्सोप्लैनेट का मतलब क्या है कि हमारा एक तो प्लैनेट होता है, और एक्सोप्लैनेट का मतलब होता है कि ऐसे प्लैनेट जो हमारे क्या हो, हमारा जो ये है सोलर सिस्टम है इससे बाहर हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्लैनेट को क्या बोलते हैं, एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। और उसमें कौन से प्लैनेट होते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए इसकी सबसे पहले खोज किसने की, देखिए साइंटिस्ट जो थे पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ठीक है, इन सब दोस्तों, इन लोगों ने मिलकर पूरा काम किया है। और कौन से टेलीस्कोप से काम किया है, यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी वेरी लार्ज टेलीस्कोप, इससे क्या किया इन्होंने, ये काम किया है दोस्तों। वो जो दो प्लैनेट हैं वो क्या है, जैसे कि प्लैनेट यहाँ पे देख रहे हैं, जुपिटर, सबसे पहले यहाँ पे देखिए अल्ट्रा हॉट जुपिटर, ठीक है, वास्प 76 एंड वास्प 121 बी। अल्ट्रा हॉट जुपिटर का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों इसमें क्या था कि एक संगठन थी जिसने ये चालू किया, जब ये संस्था चालू हुई तो इसमें क्या था, जो अल्ट्रा हॉट नाम रखा गया है, मतलब ऐसे प्लैनेट को खोजना है जिसमें जो जुपिटर की तरह हो, जुपिटर की तरह दिखते हो, उनकी साइज वैसी हो। लेकिन इनकी खास बात क्या होती है, जो ऐसे एक्सोप्लैनेट खोजे जा रहे हैं ये क्या करते हैं, जुपिटर से तेज क्या करते हैं, अपने ऑर्बिटल में रोटेट करते हैं। लगभग 2 दिन के अंदर ये क्या करते हैं, अपना पूरा ऑर्बिटल कंप्लीट करते हैं। फिर आप बोलेंगे सर इनका नाम वास्प क्यों रखा गया है, ये वास्प का मतलब क्या होता है, देखिए वास्प का मतलब होता है वाइड एंगल सर्च फॉर द प्लैनेट्स, ठीक है दोस्तों, तो ये इनका मतलब होता है। और इन प्लैनेट को कौन खोजता है, जैसा कि आप सुपरवैक्स देख रहे हैं, ये क्या होता है, रोबोटिक दूरबीन होता है, ठीक है, ये रोबोटिक दूरबीन होता है, यही क्या करता है, पूरी देखरेख करता है। और इनके तहत क्या होता है दोस्तों, इनको खोजा जाता है। ये कितनी दूरी पे है, जैसा कि मैं बता दूं 640 लाइट ईयर पे है, ठीक है, ये उतनी ज्यादा दूरी पे है और इनको खोजा गया है। अब आप सोचेंगे कि इतनी दूरी के होने के बावजूद इनको खोजा कैसे गया, देखिए होता क्या है दोस्तों कि जो टेलीस्कोप होते हैं उनके पास क्या होता है, जब उन एक्सोप्लैनेट पे जो पार्टिकल होते हैं वहां के रेडिएशन आते हैं, तो हर अलग अलग पार्टिकल से जो रेडिएशन निकलते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। और ये टेलीस्कोप क्या करता है, जब उनको कैप्चर कर लेते हैं उसके बाद वो बताते हैं ये कौन सा तत्व है। जैसे कि एक बात समझिए कि एक कमरा है और आप दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं, दूसरे कमरे में क्या है, एक बिल्ली है, कुत्ता है, ठीक है, अब आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन जब बिल्ली बोलेगी म्याऊं तो आप बोलेंगे ये तो बिल्ली है क्योंकि आपने बिल्ली की आवाज पहले सुनी है, कुत्ता बोलेगा भाव तो आप बोलेंगे कुत्ता है क्योंकि कुत्ते की आवाज आपने पहले सुनी है। वैसे ही जब एक्सोप्लैनेट से क्या होता है, जब लाइट आती है हमारे पास तो उसको हम पकड़ के देखते हैं, अच्छा ये तो बेरियम का है, अच्छा ये हाइड्रोजन का है। इसी तरीके से हम कभी कभी आपने सुना होगा कि साइंटिस्ट खोजते हैं कि इस प्लैनेट में बहुत ज्यादा पानी पाया गया, तो वह ऐसे ही खोजा जाता है, इस तरीके से उनकी क्या होती है, खोज होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये कौन से क्लास के हैं, अल्ट्रावायलेट क्लास के हैं, ठीक है, और इनका जो टेम्परेचर है दोस्तों लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस, कितना इसका टेम्परेचर है, ये बहुत ही ज्यादा इसका टेम्परेचर है। देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ है, जो वास्प है 76 है, ठीक है, इसमें कौन कौन से मटेरियल पाए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, वनेडियम है, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, आयरन, ठीक है दोस्तों, ये पाया गया है, ठीक है, और बैरियम तो है ही। उसके बाद क्या है दोस्तों, वास्प 121 बी में क्या है, इसमें भी लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वैनेडियम, ये सब इसमें पाया गया है। और साथ ही साथ जो सबसे जरूरी है दोस्तों, जिसपे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, वो अंदाजा लगा रहे हैं कि वहां पे टाइटेनियम भी क्या है, सबसे ज्यादा वहां पे पाया गया है, मतलब पाया जाने जा सकता है, उस पर अभी काम चल रहा है, ठीक है। बैरियम क्यों इंपॉर्टेंट, देखिए यहां पर आप जैसे देखेंगे बैरियम साल्ट जो होता है क्या करता है, फायरवर्क ग्रीन, मतलब जनरेटिंग ग्रीन लाइट, ठीक है, तो जो बैरियम से जो बैरियम साल्ट बनता है उससे क्या करता है, ग्रीन लाइट हम बहुत ही ज्यादा जनरेट कर सकते हैं, इसके काम में आता है। दूसरी उसमें खास बात क्या है, उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, आयरन से भी उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। और फिर से ये एक रहस्य लोगों के, मतलब वैज्ञानिकों के दिमाग में रहस्य पैदा कर रहा है कि ये ऊपरी सतह पे क्यों पाया जा रहा है।
अब देखिए अच्छा एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, अभी बहुत से जैसे जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये भी जब वहां पे रिसर्च कर रहा तो बहुत सारे नियम के खिलाफ ऐसी ऐसी चीजें मिल रही हैं जो फिजिक्स के नियम के खिलाफ चीजें वो हमको दे रहा है। तो ये भी वैज्ञानिकों के दिमाग में रहस्य पैदा कर रहा है और इस वजह से ये क्या था, ये न्यूज इतना हाईलाइटेड हुआ। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।